Hello everyone and welcome to my channel Miraki YouTube. So friends, today we will be covering the topic Cabinet Secretariat for the upcoming NTUGC NET exam 2018. The books that I have referred are Public Administration by M. Lakshmikant and Indian Public Administration by Ramesh K. Arora and Rajni Goyal. So if you want to refer any book, you can refer any one of these. So let's begin the topic. हमें पता ही है कि इंडिया हैज़ अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर जो हमारा कैबिनेट होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है. दिस कैबिनेट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये जो कैबिनेट है इसको हेड कौन करते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर. और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो कैबिनेट है फॉर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब जो इस कैबिनेट को हमें असिस्ट करता है दैट इज़ नोन एज द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. पहले हमने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पढ़ा था, उसमें सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आते थे, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में हमारा खाली कैबिनेट आएगा, जो इंपॉर्टेंट सीनियर मिनिस्टर्स हैं सिर्फ वो आएंगे. सो लेट्स स्टडी द लिटरल मीनिंग. कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, कैबिनेट एंड सेक्रेटेरिएट. कैबिनेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ सीनियर मिनिस्टर्स कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज. एंड सेक्रेटेरिएट क्या होता है? हमारा ऑफिस ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हमारा क्या हो गया? Office that helps the cabinet ministers in performing their duties and responsibilities. या फिर दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं that secretariat क्या होता है? हमारा office of the secretary. और हमारा जो cabinet secretariat है इनके head होते हैं, administrative head होते हैं cabinet secretary. तो हमारा cabinet secretariat क्या हो जाएगा? Office of the cabinet secretary. इसके regard में जो हमारे important points हमें याद होने चाहिए these are that it is a staff agency. पॉलिटिकल हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, एंड दिस दैट इज़ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एन्जॉय स्टेटस ऑफ अ डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961. तो अलग से डिपार्टमेंट है हमारा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का. एंड दिस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1947 बाय रिप्लेसिंग द सेक्रेटेरिएट ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल. तो ये पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए. नाउ लेट्स सी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. तो इसके अंदर हमारे तीन विंग्स होती हैं, एक है सिविल विंग, एक है मिलिट्री विंग और एक है इंटेलिजेंस विंग. कौन कौन सी तीन हैं? सिविल, मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस. सिविल विंग जो है वो हमारी मेन विंग है एंड प्रोवाइडिंग एड एडवाइस एंड असिस्टेंस टू द यूनियन कैबिनेट. ये हमारी जो मेन विंग है जो हम एड एंड एडवाइस देती है, असिस्टेंस देती है किसको? यूनियन कैबिनेट को. मिलिट्री विंग का क्या काम है? इट प्रोवाइड सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट, मिलिट्री अफेयर्स कमेटी, नेशनल डिफेंस काउंसिल एंड अदर कमिटीज़ डीलिंग विद डिफेंस मैटर्स. तो एक्चुअल में जितने भी डिफेंस रिलेटेड हमारे मैटर्स हैं या कमेटीज़ हैं कैबिनेट के अंडर, उनको ये सेक्रेटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है. इंटेलिजेंस विंग क्या करेगा? इट डील्स विद मैटर्स पर्टेनिंग टू जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट. अब ये तो हमारे तीन विंग्स हो गए, इनके अलावा क्या क्या है बिसाइड्स द मेन सेक्रेटेरिएट? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कंसिस्ट्स ऑफ नंबर वन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग दैट इज़ रॉ, नंबर टू डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी, नंबर थ्री स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और SPG, नंबर फोर जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, नंबर फाइव डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज. ये सारे हमें पता होना चाहिए, रॉ, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी, SPG, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज. देन पॉइंट इज इन 1997 द नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉज सेट अप बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द कैबिनेट. इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. तो ये जो हमारी नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है, ये 1997 में आई थी और ये भी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर होती है. फिर 1988 में हमारा जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज है वो सेट हुआ था और ये इसका एक ऑर्गन है. इट इज़ हेडेड बाय डायरेक्टर हैविंग द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. रैंक सेक्रेटरी की होती है पर होते वो डायरेक्टर हैं. नाउ लेट्स स्टडी द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. इनके फंक्शंस क्या हैं? जितने भी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उसके लिए एजेंडा तैयार करना और उससे रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, वो सारा काम किसका है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का. उसके बाद कैबिनेट मीटिंग में जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं या डिसीजन लिए गए हैं उनका जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है और उस रिकॉर्ड को सारे मिनिस्ट्रीज को सर्कुलेट करना, दैट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. नंबर थ्री सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट कमिटीज़.
जो यूनियन कैबिनेट है उसके अंडर जो कैबिनेट कमिटीज़ हैं उनको भी असिस्टेंस यही प्रोवाइड करता है। नंबर फोर, इट कीप्स द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द चीफ मिनिस्टर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है उसके बारे में इन्फॉर्म करते रहता है टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ मिनिस्टर्स को। नंबर फाइव, इट प्रिपेयर्स एंड फाइनलाइजेस द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो कौन बनाता है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बनाता है एंड अलॉट्स बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट अमंग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स विद द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। ये काम होगा कब? प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ ही होगा। नंबर सिक्स, इट इज़ द चीफ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन मिनिस्ट्रीज। तो अगर मिनिस्ट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन सेटल करेगा? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। नंबर सेवन, इट वॉचेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैबिनेट डिसीजंस बाय द कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। जो कैबिनेट ने डिसीजन ले लिए उनकी इम्प्लीमेंटेशन सही से मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं, ये भी ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट देखेगा। नंबर एट, इट हैंडल्स द वर्क पर्टेनिंग टू अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स, अलॉटमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज टू मिनिस्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्टर्स मिनिस्ट्रीज। तो ये सारे जो काम है, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर्स का, उनको पोर्टफोलियो अलॉट करने का और उनको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज का, ये सारा भी हमारा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट देखता है। तो ये था हमारा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। इसके अंदर हमने क्या कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े हैं। पहले देखा कि ये होता क्या है, फिर हमने देखा कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, फिर इसकी हमने ऑर्गेनाइजेशन देखी जिसमें तीन विंग्स हैं, फिर हमने पांच ये किए थे, उसके बाद हमने ये नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल कन्वेंशन भी किया था, फिर हमने रोल एंड फंक्शंस के अंदर एट फंक्शंस किए हैं। अभी हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी जो इनके हेड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो डिटेल में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप इसको अच्छे से स्टडी कर लें। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। If you found this video helpful, then please like and share this video and subscribe to the channel Meraki YouTube. Also, please don't forget to hit the bell button to get notified as soon as a new video is uploaded. So, thank you and stay tuned.